Now we start a new chapter, that is tissue structure organization animal. क्या अब हमें साफ दिख रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं ना. अंडरलाइन मैंने पहले ही कर दी है, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी खत्म कर देंगे. ठीक है. इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू कम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम. आपने क्या देखा? लार्ज वैरायटी देखी सर ऑर्गेनिज्म की. यूनिसेलुलर भी थे, मल्टीसेलुलर भी थे एनिमल किंगडम के. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, जैसे कि डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है और रिप्रोडक्शन करना है. ये सब कौन कर रही थी सर? ये तो सिंगल सेल कर रही थी. ठीक है बेटा, आगे बढ़ूँ. कॉम्प्लेक्स बॉडी में सेम बेसिक फंक्शन को कौन करेगा? डिफरेंट ग्रुप की सेल. इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर बॉडी सिंपल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हाइड्रा, वो डिफरेंट टाइप की सेलों से बना हुआ है. एंड नंबर ऑफ सेल और नंबर सेल का ईच टाइप में वो क्या है? 1000 है. ठीक है. ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? बिलियन ऑफ सेल्स से. टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन हाउ डू दिस सेल, कैसे भैया ये सेल वर्क करती हैं टुगेदर, एक साथ काम कर रही हैं. इन मल्टी सेलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एलोंग विद इंटर सेलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ग्रुप है सिमिलर सेल का एलोंग विद इंटर सेलर सब्सटेंस, इंटर सेलर सब्सटेंस के साथ क्या काम करेगा? स्पेसिफिक फंक्शन दिखाएगा. सर इस ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू बोलते हैं. यू मे बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल जो किससे बना हुआ है? चार बेसिक टाइप के टिश्यू से. टिश्यू ऑर्गेनाइज होगा स्पेसिफिक प्रपोर्शन में और पैटर्न बनाएंगे टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टोमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी. वेन टू और मोर ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंट्रैक्शन दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. हो पा रहा है क्लियर? बोलो हाँ. नहीं आ रहा, देख के बताते हैं. तो समझो मेरी बात को, कितने से बनी हुई है बॉडी? चार बेसिक टिश्यू से. टिश्यू ऑर्गेनाइज हो गए स्पेसिफिक प्रपोर्शन में और पैटर्न में. क्या बना लेंगे? ऑर्गन, जैसे कि स्टोमक, लंग्स, हार्ट, किडनी. ठीक है. जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन कॉमन फंक्शन करें बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. जब दो से ज़्यादा ऑर्गन आ गए क्या बनने वाला है बताओ? ऑर्गन सिस्टम बनने वाला है सर. डाय सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम सब ने अपना अपना काम बांट लिया है कि क्या करा रहे हैं भाई? डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है. एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज होल. और इन टोटल काम क्या है कि हम तो भैया सर्वाइवल कराना चाहते हैं बॉडी का पूरी तरीके से. हो पा रहा है क्लियर? एनिमल टिश्यू को देख लें. स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, देयरफॉर टिश्यू आर डिफरेंटली ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल. एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल. बढ़ू आगे. एपिथेलियल टिश्यू वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम. क्या रेफर करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियम. प्लूरल क्या है? एपिथेलिया. टिश्यू के पास क्या होती है भाई? फ्री सरफेस, जो क्या फेस करेगी? आइदर अ बॉडी फ्लूड और बोलो विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूड और आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी. टिश्यू के पास क्या है? फ्री सरफेस, जो फेस करेगी आइदर बॉडी फ्लूड को या आउटसाइड कवरिंग या आउटसाइड इन्वायरमेंट को. और क्या बनाएगी? एक कवरिंग बनाएगी या लाइनिंग बनाएगी फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी, कुछ पार्ट के बॉडी के लिए. तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने दोबारा रिपीट करी है, इसे एज इट इज़ याद रखना. ठीक है. बोलो एक बार बोलूँ. टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूड आउटसाइड इन्वायरमेंट दस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग. हो गया क्लियर? कवरिंग और लाइनिंग में अंतर बताएं. जैसे कार के ऊपर कवर वो अलग, अंदर जो सीट्स हैं वो क्या बना रही है? लाइनिंग. हो पा रहा है क्लियर? बढ़ते हैं फिर आगे. सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड. सेल क्या है? कॉम्पैक्टली पैक्ड है. इसमें क्या है? लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स. क्या है?
लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स, दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यू हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम को समझ सिंगल लेयर ऑफ सेल से, और क्या बनाएंगे, लाइनिंग बनाएंगे बॉडी कैविटी के लिए, डक्ट के लिए, ट्यूब के लिए। कंपाउंड एपिथेलियम को समझ है दो या दो से ज़्यादा सेल लेयर से, और प्रोटेक्टिव फंक्शन है जैसे कि हमारी स्किन में, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स। सिंपल एपिथेलियम को हमने डिवाइड कर दिया थ्री लेयर में, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, हो गया होगा क्लियर, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम किससे बनाया बताओ, दो या दो से ज़्यादा सेल लेयर से, उसका प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है, जैसे कि हमारी स्क्रीन में होता है, ठीक है, हो गया क्लियर, बोलो हो पा रहा है कि नहीं, पहले तो ये बताओ क्लियर, मेरे हिसाब से हो रहा है आपको क्लियर। तो कॉम्पैक्टली पैक्ड है और लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है। सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम दो बता दिए थे। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर से बनाया, कंपाउंड एपिथेलियम बहुत सारी लेयरों से बना हुआ है। सिंपल एपिथेलियम का काम किया था लाइनिंग बनाना बॉडी कैविटी, डक्ट और ट्यूब की, और कंपाउंड का जैसे कि हमारी स्किन में। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियम को हमने डिवाइड किस में कर दिया, थ्री टाइप में, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर। सिंपल स्क्वैमस कैसे दिखता है, फ्लैटेंड सेल दिख रही हैं, और क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल दिख रही हैं, और कॉलमनर में कॉलम की तरह, मतलब डंडे डंडे से दिख रहे हैं, स्टैक, ठीक है। और कॉलमनर के बाद, कॉलमनर ने क्या बियर क्या कर लिया है, सीलिया, ऊपर सीलिया है ना धागे धागे से, सीलिया बोले तो झाड़ू की तीलिया, दोनों का काम सफाई करना होता है ना, झाड़ू की तीलिया का भी और सीलिया का भी। तो स्क्वैमस एपिथेलियम किससे बना हुआ है, सिंगल लेयर फ्लैटेंड सेल की, इरेगुलर बाउंड्री है, और ये किसमें मिलता है, ब्लड वेसल्स में, एयर सैक्स ऑफ लंग, और इन्वॉल्व होता है फंक्शन जैसे कि डिफ्यूजन बाउंड्री। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है, ये कॉमनली मिलता है डक्ट ऑफ ग्लैंड में और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में, इन किडनी, और मेन फंक्शन क्या है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्लियर बोलो, तो मेरे साथ साथ बोलना है ना। अब स्क्वैमस एपिथेलियम किससे बना हुआ है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल, उसकी रेगुलर बाउंड्री है, किसमें मिलेगा, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में, एयर सैक्स ऑफ लंग्स में, फंक्शन क्या है, फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। क्यूबॉइडल एपिथेलियम किससे बना हुआ है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, कॉमनली फाउंड किसमें होगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। सर ऊपर वाले इसमें अंतर क्या है, पहली बात तो क्यूब लाइक सेल वो फ्लैटेंड सेल, और कहाँ मिलेगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और ये कहाँ मिल रहा था, एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, याद आ रहा है, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स याद आ रहा है ना कि ना। मेन फंक्शन क्या है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसका क्या था, फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है, हो पा रहा है, ठीक है। एपिथेलियम पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन किडनी, जिसके पास माइक्रोविली होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम किससे बना हुआ है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल, किससे बना हुआ है, टॉल एंड सिलेंडर सेल, न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड है, बेस पर, फ्री सरफेस के पास माइक्रोविली हैं, दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, किसमें मिलेगा, बोलो लोकेटेड कहाँ पे हैं, बेस पर न्यूक्लियस, और फ्री सरफेस के पास माइक्रोविली हैं, लाइनिंग ऑफ स्टोमक और इंटेस्टाइन, हेल्प करेगा सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इफ द कॉलमनर क्यूबॉइडल बियर सीलिया, और कॉलमनर क्यूबॉइडल के पास सीलिया हैं फ्री सरफेस पे, तो सीलेटेड एपिथेलियम कहलाएगा। इसका काम क्या होता है, मूव पार्टिकल या म्यूकस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर एपिथेलियम, काम मिलता है मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियल फेलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियल एंड फेलोपियन ट्यूब। सम ऑफ द कॉलमनर ऑफ क्यूबॉइडल सेल बियर गेट स्पेशलाइज फॉर सीक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलमनर क्यूबॉइडल ने सीलिया कर लिया, भाई इनके पास सीलिया है और स्पेशल हो गए सीक्रेशन के लिए, उन्हें बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर जो आइसोलेट ग्लैंडुलर सेल से बना हुआ है, यूनिसेलुलर किससे बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनल, एंड मल्टीसेलुलर क्लस्टर ऑफ सेल से बना हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड से। बताओ मैं इस हिसाब से बोलूँ, कुछ कॉलमनर क्यूबॉइडल स्पेशल हो गए हैं सीक्रेशन के लिए, तो उन्हें बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये दो टाइप के होते हैं सर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर,
यूनिसेलुलर आइसोलेट ग्लैंडुलर सेल से बने हुए हैं, कॉबलेट सेल है। मल्टीसेलुलर बहुत सारी ग्लैंडुलर सेल से बने हुए हैं, क्लस्टर ऑफ सेल से बने हुए हैं, वो सलाइवरी ग्लैंड है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सीक्रेशन ग्लैंड को डिवाइड कर दिया दो कैटेगरी में, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, टेस्ट ऑफ एंजाइम एंड अदर सेलुलर प्रोडक्ट। कैसे याद था मुझे, याद किया ना मैंने, एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, टेस्ट ऑफ एंजाइम एंड अदर सेलुलर प्रोडक्ट। लिखा है कि नहीं, देखो देखा तो नहीं, ठीक है। ये प्रोडक्ट कहाँ रिलीज हुए, थ्रू डक्ट और ट्यूब्स, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, उनके पास डक्ट नहीं होती, उनके प्रोडक्ट हार्मोन कहलाते हैं, सीक्रेट डायरेक्टली इनटू फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। हो पा रहा है क्लियर, ठीक है ठीक है। कहाँ रिलीज होंगे, थ्रू डक्ट और ट्यूब, किसके बोलो, एक्सोक्राइन के, एंडोक्राइन के। हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली फ्लूइड में, ब्लड में जाएंगे मतलब, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम किससे बना हुआ है, मोर देन वन लेयर मल्टी लेयर ऑफ सेल, उनका लिमिटेड रोल होता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। बहुत कम है रोल सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन में। चलो भैया देखते हैं मेन फंक्शन क्या है, कि हम तो भैया प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस। कोई ऐसा भी स्ट्रेस हो, केमिकल हो या मैकेनिकल, मैं आऊँगा। कौन आएगा बोलो, कंपाउंड एपिथेलियम बोल रहा है मैं आऊँगा, आ जाओ, ठीक है। दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सर्फेस और बकल कैविटी, फेयरिंग्स, इनर लाइनिंग सर्फेस, इनर लाइनिंग डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। बोलो ये साथ साथ बोलो, ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी, बोलो ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी, फेयरिंग्स, इनर लाइनिंग डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। हो गया क्लियर, बोलो दो हाँ, बोले दो हाँ, हाँ आ गया ना सामने, बोलो। देख वर द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, मोस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी, इनर लाइनिंग डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। हो गया, इस ऑल सेल इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल है, ऑल एनिमल टिश्यू में स्पेशल जंक्शन होता है, प्रोवाइड क्या करेगा, स्ट्रक्चर और फंक्शन लिंक। इंडिविजुअल सेल में थ्री टाइप के सेल जंक्शन होते हैं एपिथेलियम में, टिश्यू में, टाइट, एडहेरिंग और गैप जंक्शन। वैसे होते तो चार टाइप के, इसमें मैं आपको वो भी ले सकता हूँ, एक और आता है प्लाज्मोडेस्माटा वाला, है ना, वो आपको पता नहीं होगी पर होता है, ठीक है। टाइट जंक्शन हैव टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, अडेरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल ऑफ टिश्यू, गैप जंक्शन फैसिलेट करेगा सेल को कम्युनिकेट कर लो भाई ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म of adjoining cell for rapid transfer of ion, small molecules, sometime big molecules, connective tissue सुनते हैं। ये most abundant of widely distributed tissue है body में, और complex animals की ये connective tissue का नाम क्यों रखा गया। चलो एक पीछे का question पूछता हूँ, पहले तो connective tissue को बाद में चालू करेंगे। Which cover the dry surface of skin, moist surface of buccal cavity, pharynx and inner lining duct of salivary gland and part of पैनक्रियाटिक डक्ट। बोलो सर, कंपाउंड एपिथेलियम याद है हमें, ऐसा आप बेकार मत समझो, ठीक है। कनेक्ट टिश्यू ही पढ़ते हैं, कनेक्ट टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू था पूरी बॉडी में, हाँ। कनेक्टिव टिश्यू का नाम कनेक्टिव ही क्यों रखा था, इनका स्पेशल फंक्शन होता था लिंकिंग का, सपोर्टिंग का अदर टिश्यू से या ऑर्गन से। और बॉडी ये रेंज कहाँ चालू होती है, सॉफ्ट कनेक्ट टिश्यू से चालू होगी, स्पेशल कनेक्ट टिश्यू तक चलेगी, चलेगी, चलाओ सॉफ्ट से, बोलो सॉफ्ट कनेक्ट टिश्यू से चालू होगी, स्पेशल तक जाएगी, जाने दो। विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड, इन ऑल कनेक्ट टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सीक्रेट फाइबर, जितने भी कनेक्ट टिश्यू हैं ब्लड को छोड़कर क्या सीक्रेट करेंगे, फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन और इलास्टिन। जितने भी कनेक्ट टिश्यू हैं ब्लड को छोड़कर सीक्रेट करेंगे फाइबर स्ट्रक्चर प्रोटीन के, जिसे बोलते हैं कोलेजन और इलास्टिन। फाइबर क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और इलास्टिसिटी देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे टिश्यू को, क्या कह देंगे, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। सेल क्या सीक्रेट करेंगे, मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड,
जो एक्यूमुलेट हो जाएगा बिटवीन सेल एंड फाइबर एक्ट एज अ मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस। कनेक्ट टिश्यू हम क्लासिफाई करते हैं थ्री टाइप में, लूज कनेक्ट टिश्यू, डेंस कनेक्ट टिश्यू, स्पेशल कनेक्ट टिश्यू। बोलो हाँ, दोबारा सुनते हैं इस पूरे पैराग्राफ को। बताओ ऐसा कौन सा कनेक्ट टिश्यू है जो सब सीक्रेट करते हैं फाइबर, ऐसा कौन सा है वो नहीं करता? ब्लड है सर। ठीक है, फाइबर क्या देता है बेटा? सर स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, ये सीक्रेट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बिटवीन सेल फाइबर एक्ट एज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, लूज कनेक्ट टिश्यू के पास सेल हैं, फाइबर हैं, लूजली अरेंज हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। फॉर एग्जाम्पल एनुलर टिश्यू जो प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन, ऑफन इट सर्व एज सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एनुलर टिश्यू कम प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, ऑफन क्या देता है, अक्सर क्या देता है, सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। ठीक है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो प्रोड्यूस करेंगे और सीक्रेट करेंगे फाइबर को, जैसे कि मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। सर ये फाइबर सीक्रेट करती हैं बेटा, थोड़े बहुत फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगी, काम ही फाइबर सीक्रेट करने का है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू एक अनदर टाइप का टिश्यू है। बताओ ये मेनली बीनीथ द स्किन होता है। अच्छा, स्किन के नीचे ही रहेगा, रहेगा तो रह लेगा, चलो रह ले, दोस्त भी बेचारा है, बच्चा है, रह ले बेटा। ठीक है, सेलुलर टिश्यू इसका मेन काम क्या है कि सर मैं स्टोर करूँगा फैट। मैगी कैसे बेटा? फैट का मतलब सर जो एक्सेस न्यूट्रिएंट होता है ना, जो हम इसे इमीडिएटली यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसे हम फैट में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, जो हमारी मोटापा बोलते हैं ना, वो स्टोर हो जाता है हमारी टिश्यू में, काम आएगा, खाना नहीं खाओगे मोटापा उतर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। हो पा रहा है क्लियर? बोलो हाँ, समझ में आ रहा है ना? फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट कैसे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर जो क्या बताता है, रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न, उन्हें बोलते हैं डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में कौन है बोलो? हो रहा है ना? तो डेंस रेगुलर में कौन था बताओ? कॉलेजन फाइबर प्रेजेंट कैसे थे? रॉ में, बिटवीन मैनी पैरल बंडल ऑफ फाइबर। कॉलेजन फाइबर कैसे थे? रॉ में जो बिटवीन मैनी पैरल बंडल और फाइबर। टेंडन क्या क्या काम है? देखो बबली याद कर लो तुम तो, बबली, बबली का मतलब बोन टू बोन, बब ली, ली का मतलब लिगामेंट करता है। टेंडन क्या करता है? मसल से बोन। टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, लिगामेंट जो अटैच क्या करता है एक बोन से दूसरी बोन को। एग्जांपल है इस टिश्यू के डेंस इरेगुलर कनेक्ट टिश्यू, उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट भी होता है और मैनी फाइबर होते हैं मोस्टली कॉलाजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। ओरिएंटेड कैसे होगा? डिफरेंटली। टिश्यू जो प्रेजेंट होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है? स्किन में। हो पा रहा है क्लियर? कौन सा? डेंस इरेगुलर। हो गया ना, बढ़ो आगे। ठीक है, टिश्यू प्रेजेंट है स्किन में, कार्टिलेज बोन एंड ब्लड जो वेरियस टाइप के स्पेशल कनेक्ट टिश्यू हैं। कौन कौन से? कार्टिलेज बोन और ब्लड। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज सॉलिड लायबल एंड कैन रेसिस्ट कंप्रेशन। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होगा? सॉलिड होगा, लायबल होगा और रेसिस्ट क्या करेगा? कंप्रेशन को रेजिस्ट करेगा। इनकी सेल को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट, जो इंक्लोज होते हैं स्मॉल कैविटी में विद इन मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाई दैम। और इन कौन सीक्रेट होगा? मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाई दैम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो वर्टिब्रेट्स में होता है, इन वर्टिब्रेट्स का एम्ब्रायो कौन रिप्लेस करता है? बोन एडल्ट में। ठीक है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है नोज में, आउटर ईयर जॉइंट जो हमारे ईयर जॉइंट है उनमें भी, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट। बोन के पास क्या है? हार्ड एंड नॉन लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। उनके पास क्या था? सॉलिड लायबल रेजिस्ट कंप्रेशन, ये हार्ड है और नॉन लायबल, कैन नॉट रेजिस्ट कंप्रेशन। ठीक है, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कॉलेजन फाइबर विच कैन बोन
विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ. बोन को क्या मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी, ताकत. इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी. बोन सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन को. सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन. बोन सेल ऑस्टियोसाइट रिप्रेजेंट किस में? स्पेस में, जिसे बोलते हैं लैकुना. क्या बोलते हैं? लैकुना. बोन सपोर्ट करेगी और प्रोटेक्ट करेगी सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन. बोन सेल ऑस्टियोसाइट रिप्रेजेंट किस में? स्पेस, जिसे क्या बोलते हैं? लैकुना. लिम्स बोन, जैसे कि लॉन्ग बोन ऑफ लेग, जिसका काम क्या है? वेट बेयरिंग फंक्शन. दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट. बताओ, लिम्ब बोन, जैसे कि लेग्स की जो लिम्ब बोन होती है ना, तो वो क्या काम कर रही है? वेट को तो बियर कर रही है, और क्या काम कर रही है? इंटरेक्ट कर रही है स्केलेटल मसल से, मतलब वेट बियरिंग फंक्शन भी है उसका. ठीक है, इंटरेक्ट कर रही है स्केलेटल मसल से, मतलब स्केलेटल मसल से भी इंटरेक्ट करेगी और मूवमेंट भी कराएगी. बोन मैरो, कुछ बोन में होता है ना, वो क्या करेगा कि प्रोडक्शन करेगा किसका? ब्लड सेल का. हो पा रहा है? के लिए ब्लड एक फ्लूड कनेक्ट टिश्यू है जो फाइबर नहीं करता रिलीज. ठीक है, कंटेनिंग इसमें प्लाज्मा है, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं. ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड है जो हेल्प किस में करेगा? ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस और वेरियस सब्सटेंस. यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 17 and 18. मसल टिश्यू पढ़ें. ईच मसल किससे बनी होती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर, जो अरेंज कैसे हैं? पैरल अरे में. ये फाइबर किससे बने हुए हैं? न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, जिसे बोलते हैं मायो फाइब्रिल्स. आ रहा है समझ में? आ रहा है ना समझ में? कैसे बने हुए हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर, अरेंज कैसे हैं? पैरल अरे में. ये फाइबर कंपोज इन न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स, जिसे बोलते हैं मायो फाइब्रिल्स. मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, शॉर्ट हो जाएंगे जैसे हम स्टिमुलेट करते हैं. ये रिलैक्स हो जाएंगे या लेंथ, मतलब लंबाई बढ़ जाएगी. एंड रिटर्न टू अनकॉन्ट्रैक्टेड, अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में पहुँच जाएंगे. आ रहा है समझ में? अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन. कोऑर्डिनेट फैशन में एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट. एक्शन कैसे हो रहा है? मूव हो रहा है द बॉडी टू एडजस्ट या चेंज करना एनवायरनमेंट या मेंटेन करना पोजिशन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी. इन जनरल मसल क्या प्ले करती है? एक्टिव रोल दिखाती है. ठीक है, एक्टिव रोल दिखाती है ऑल मूवमेंट में. मसल कितने प्रकार की होती हैं? तीन टाइप की. बोलो, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डिक. समझ में आ रहा है? स्केलेटल मसल जो क्लोजली रिलेटेड होती किससे, क्लोजली अटैच किससे होती है? स्केलेटल बोन से. टिपिकल मसल में जैसे कि बाइसेप की मसल है ना, बाइसेप, स्ट्रेटेड, जो स्ट्रेप्ड की मसल है, मतलब स्ट्रेप्ड मसल है ना, स्ट्रेप्ड मतलब स्केलेटल मसल. फाइबर बंडल हो जाएंगे टुगेदर एक पैरल फैशन में. शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू इंक्लोज्ड सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर. यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 20 में पढ़ लेना. अपने आप पढ़ाया था सर लोकोमोशन मूवमेंट, आपने ही तो पढ़ाया था सर. हमने आपको वो लेक्चर देख चुके हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की. शीट टफ कनेक्ट टिश्यू जो इनक्लोज क्या करता है? सेवरल बंडल मसल फाइबर के. ठीक है, हो पा रहा है? क्लियर? टफ कनेक्ट टिश्यू सेवरल मसल बंडल मसल फाइबर के. ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर टैपर कैसे हैं? बोथ एंड पे टैपरिंग हो चुकी है, फ्यूजी फॉर्म बन चुके हैं और स्ट्रेशन नहीं देंगे. सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर, सेल जंक्शन ने होल्ड कर रखा है उन दोनों को और बंडल हो गए टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ. जो वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन है जैसे कि ब्लड वेसल, स्टोमक, इंटेस्टाइन, इसमें इस टाइप का मसल टिश्यू होता है. बोलना पड़ेगा मेरे साथ साथ, बोलो. स्मूथ मसल फाइबर कहाँ कहाँ मिलती है? अरे बोलो भैया, बोलो सर. ब्लड वेसल में मिलती है, स्टोमक में मिलती है, इंटेस्टाइन में मिलती है. मिलती है, मिलती है. ब्लड वेसल, स्टोमक, इंटेस्टाइन, कौन सी? स्मूथ. ठीक है, इसमें सेल जंक्शन हेल्ड करता है टुगेदर
बंडल होंगे टुगेदर कनेक्ट टिश्यू सीज में, स्ट्रिएशन नहीं दिखाएंगे। ठीक है, हो गया क्लियर। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती हैं, फंक्शनिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्टैक्ट मेयरली बाई थिंकिंग, मतलब थिंक सोचा हमने कि हम स्टोमक की मसल को कॉन्टैक्ट कर दें या बोलो ब्लड वेजल को कॉन्टैक्ट कर दें या इंटेस्टाइन को कर दें, ना बस की बात ही नहीं है। ठीक है, वी यूजली आर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट मेयरली बाई थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विद स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल को ओ रुक रुक गया। ठीक है, कार्डिक मसल को इन्हें कर सकते हैं क्या? बेटा कर भी मत देना, भूल से भी भूल होना कभी रुकती नहीं है, जिस दिन रुकेंगे उस दिन समाप्ति। कॉन्टेक्टल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, दिल बड़ा। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डिक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, सेल जंक्शन फ्यूज करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कार्डिक मसल से सेल से एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकैरेटेड डिस्क सम पॉइंट पे अलाउ करेगी सेल को टू कॉन्टैक्ट एज अ यूनिट, कॉन्टैक्ट कैसे होंगे यूनिट की तरह। बताओ कम्युनिकेशन जंक्शन कौन सा, इसमें इंटरकैरेटेड डिस्क है, कुछ फ्यूजन पॉइंट में सेल को अलाउ करेगी टू कॉन्टैक्ट इन अ यूनिट, कॉन्टैक्ट कैसे होगा यूनिट में, है ना। वेन वन सेल रिसीव एज अ सिग्नल टू कॉन्टैक्ट नेबर आज स्टूडेंट टू कॉन्टैक्ट, एक सेल हुई कॉन्टैक्ट दूसरी सेल अपने आप हो जाएगी। ठीक है, हो पा रहा है क्लियर। मसल टिश्यू ईच मसल किससे बने हुए, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर जो अरेंज हैं पैरेलल में, ये फाइबर बने हुए हैं न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स से बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स, मसल फाइबर कॉन्टैक्ट हो जाती हैं शॉर्ट हो जाएगी जैसे स्टिमुलेशन होगा और रिलैक्स हो जाएंगे लेंथ में बढ़ जाएंगी और अनकॉन्टैक्टेड स्टेट में पहुँच जाएंगी इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सर समझ में कुछ नहीं आ रहा, बेटा कुछ भी तो नहीं चल रहा। लॉन्ग होती हैं सिलेंड्रिकल फाइबर होती हैं पैरल अरेंजमेंट होती हैं, ये न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स होते हैं मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मसल फाइबर कॉन्टैक्ट करेगी जैसे स्टिमुलेशन आएगा रिलैक्स कर जाएगी लेंथ में आ जाएगी और अपनी ओरिजिनल पोजिशन में पहुँच जाएगी। ठीक है, अनकॉन्टैक्टेड स्टेट में। एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। एक्शन क्यों हुआ भाई, कि एडजस्ट करने के लिए या चेंज करने के लिए। ठीक है, एडजस्ट टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, चेंज हुआ भाई एनवायरनमेंट और द बॉडी। ठीक है, एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। इन जनरल मसल एक्टिव रोल दिखाती है ऑल मूवमेंट ऑफ बॉडी, सारे मूवमेंट में बॉडी के। मसल तीन टाइप की होती हैं, स्केलेटल स्मूथ कार्डिक। सर आपने ये दोबारा पढ़ दिया, मैं जानता हूँ बेटा, क्योंकि ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लास्ट वाली लाइन है ना वो दोबारा पूछी जाएगी। स्केलेटल स्मूथ कार्डिक, मैंने स्केलेटल स्मूथ कार्डिक तीनों पढ़ा दी, न्यूरल टिश्यू पढ़ना था और पूरा पढ़ दिया हमने दोबारा से। कोई बात नहीं, पढ़ने का कोई बुराई थोड़ी होती है, क्योंकि वो पेज की स्लाइड बदल गई ना, कोई बात नहीं। न्यूरल टिश्यू ने एग्जर्ट किया ग्रेटेस्ट कंट्रोल अपनी बॉडी पे, रेस्पॉन्सिव है टू चेंज कंडीशन। न्यूरॉन एक यूनिट है न्यूरल सिस्टम की, एक्साइटेबल है सेल है न्यूरोग्लियल सेल जो कंस्टिट्यूट करेगी रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, सॉरी न्यूरोग्लियल सेल जो बनाएगी मोर देन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। पहले मुझे बताओ न्यूरोग्लियल सेल, दोनों चीज़ों में बार बार लाइन गलत गलत पढ़ रहा हूँ, न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल है, न्यूरोग्लियल सेल जो बनाएगी रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट करेगा और सपोर्ट करेगा न्यूरॉन को। न्यूरोग्लिया जो कितना बनाती है, मोर देन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, मोर देन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू बॉडी में कौन बनाता है, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया और क्या बन रही थी सर, न्यूरोग्लियल सेल हैं एक तो जो रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम बना रही है, न्यूरॉन थे एक्साइटेबल सेल थे। ठीक है, मोर देन वन हाफ वॉल्यूम कौन बनाता है, न्यूरोग्लिया। ठीक है, जब न्यूरॉन
स्यूटेबली स्टिमुलेट होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है जो स्विफ्टली ट्रेवल करता है एलोंग इट्स प्लाज्मा। ठीक है, स्यूटेबली जैसे कि कोई स्टिमुलेट किया है ना, तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होगा जो स्विफ्टली ट्रेवल करेगा एलोंग इट्स प्लाज्मा। ठीक है, अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ न्यूरॉन एंडिंग, जैसे ही अराइवल हुआ डिस्टर्बेंस का न्यूरॉन एंडिंग पे या आउटपुट जोन पे, ट्रिगर करता है इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। ठीक है, जैसे डिस्टर्बेंस आया न्यूरॉन के एंडिंग पे या आउटपुट जोन पे, तो ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे या इनहिबिट करेंगे एडजेसेंट न्यूरॉन को या अदर सेल को। आप डिटेल कब पढ़ोगे, 21 चैप्टर में। ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, अर्थवर्म भी देख लेंगे, मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे, उसकी एनाटॉमी भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद का हम अगले लेक्चर में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले कॉकरोच देखेंगे फिर उसके बाद करेंगे अर्थवर्म, है ना। कॉकरोच अच्छा है ना, कॉकरोच फ्रॉग फिर अर्थवर्म। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि कोई उसमें रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, बाय बाय।